सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों दिवाली के लिए अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको बता रही हूँ। दिवाली की सफाई चालू हो चुकी है, दिवाली की खरीदारी भी चालू हो चुकी है और हम कहीं ना कहीं दिमाग में सोच भी रहे होंगे कि दिवाली का मेकअप हमें किस तरह से लगाना है। कहीं अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि दिवाली का अच्छा मेकअप आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है और उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर जो होता है आपके मेकअप को काफ़ी लंबे समय तक टिका कर रखता है और साथ ही साथ आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा लुक भी देता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आपको कंसीलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मदद से आपके जितने भी दाग धब्बे हैं या बहुत ही ज़्यादा काले घेरे हैं आंखों के नीचे तो वो छुप जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी फाउंडेशन ले लेना है। अगर आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से ले लीजिए या ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से फाउंडेशन ले लीजिए। और उसके बाद अपने मेकअप को सेट करने के लिए आपको चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल फ्री वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अगली बारी आती है हमारी आंखों की मेकअप की। इसके लिए सबसे पहले अपनी जो आईब्रोज होती है उन्हें अच्छे से भर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद अगर आप चाहें तो बहुत सारा काजल लगा सकते हैं अपने आंखों में या फिर आईलाइनर लगा सकते हैं या फिर आप कलर आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आपको अच्छा खासा मस्कारा भी लगा लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने आंखों में अलग अलग रंग के जो आई शेडोज होते हैं या फिर आपके कपड़ों के कलर के मैचिंग वाले आई शेडोज भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि अगर दिन का समय है तो आप अपने आँखों पर स्मोकी आई मेकअप ना करिए, सिंपल सा करिए, अच्छा दिखेगा। और रात का अगर मेकअप हो तो स्मोकी सा मस्त सा मेकअप करिए, काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे लिपस्टिक की। दोस्तों लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लिपस्टिक होनी चाहिए ब्राइट और मैट। इस तरह की जो लिपस्टिक होती है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए आने वाली दिवाली पर आप अच्छा सा एक डार्क कलर रख लीजिए जो कि आपके पूरे ओवरऑल मेकअप लुक को एकदम एनहांस कर देगा और वो कलर आपके कपड़ों पर भी काफ़ी सूट करेगा, ऐसा ढूंढ कर रखिए। और दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी आई मेकअप कर रहे हैं तो अपनी लिपस्टिक को बहुत लाइट रखिए और अगर आप बहुत ही हल्का आई मेकअप कर रहे हैं तो आप अपने लिपस्टिक को डार्क भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लगा सकते हैं एक बिंदी, क्योंकि त्यौहार है दिवाली का और दिवाली में बिंदी के बिना आपका जो मेकअप लुक है थोड़ा अधूरा लग सकता है, इसलिए बिंदी लगा लीजिए। और हो सके तो कानों में बड़े बड़े झुमके पहन लीजिए या बड़े बड़े कान के पहन लीजिए। आजकल मार्केट में दिवाली के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आए हैं तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अपने लिए भी बड़े बड़े कान के खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही आसान से मेकअप टिप्स या फिर मेकअप के स्टेप्स, इन्हें फॉलो करके आप भी इस दिवाली बहुत ही अच्छे दिख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।